जय हिंद। आज हम लोग संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पाठ मूल अधिकार को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की कक्षाओं में मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू बता दिया है। पार्ट वन में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसका आर्टिकल वन से लेके फोर तक वर्णन है, और पार्ट टू में मैंने आर्टिकल फाइव से लेके इलेवन के बीच में जो सिटीजनशिप का पूरा एक जो एक कानून है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है। आज हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। ये मौलिक अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अगर आप जान लेते हैं तो समझिए आपका पढ़ाई सफल है। ऐसे भी अगर किसी से पूछा जाए कि भैया तुम पढ़ते क्यों है, तो वो उसका जवाब होता है क्योंकि हम अपने राइट्स को जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट को मूल या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। अब इसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि इतना मूल है, इतना नैसर्गिक है, इतना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति से इसको छीन लिया जाए तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा, उसका जिंदगी नर्क के समान हो जाएगा, बिना जेल में गए हुए जेल के समान हो जाएगा। जेल में जाते तो क्या होता है, बहुत सारे अधिकार आपको छीन लिए जाते हैं, घूमने फिरने, बात करने, आज़ादी, इस तरह से चीज़ों को आपको बहुत सारे सीमित कर दिया जाता है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को ये अधिकार छीन लिया जाए तो उसका न फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा, न मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा, न नैतिक विकास हो पाएगा, न ही उसका बौद्धिक विकास होगा और न ही आध्यात्मिक विकास होगा। इसके लिए उसको जरूरी है कि कुछ उनको मौलिक अधिकार दिया जाए, और मौलिक अधिकार देने के बाद ही उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसीलिए यह एक अत्यंत जरूरी है। जब हम अंग्रेजों का गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमें अधिकांशतः मौलिक अधिकार दिया ही नहीं था, और हम इसीलिए तो गुलाम थे। जब संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों को भगाने का, तो उसी समय हमारे बहुत सारे जो देशभक्त लोग थे, जितने भी लोगों ने जो हमें आज़ादी दिलवाई, उन लोगों का मन में यह था कि जब अंग्रेज जाएंगे तो हम जनता को एक मौलिक अधिकार देंगे जिससे उनका अच्छे ढंग से विकास हो सके, डिग्निटी के साथ साथ लाइफ उनका मेंटेन हो सके, वह भी गौरवपूर्ण जीवन जी सके। इसके लिए संविधान बनाने वालों ने इसको संविधान में रखा, और ये जो मौलिक अधिकार है हमें संविधान के द्वारा ही मिला हुआ है। तो ये आया कहाँ से? ये आया है अमेरिका के संविधान से, हमने वहीं से अडॉप्ट किया है, उसी से मिलता जुलता हमने अपना मौलिक अधिकार को रखा है। ये देखिए, मौलिक अधिकार का ये नहीं है मतलब कि आपको मिल गया तो एकदम से उसका आप दुरुपयोग करते रहिए। अब किसी व्यक्ति को कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी दिया गया है तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप घूमते घूमते किसी के बेडरूम में चले जाइए और उसे पूछिए कौन चीज़ करी छे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपको आज़ादी मिला हुआ है विचार अभिव्यक्ति की, तो ऐसा तो नहीं है ना कि किसी व्यक्ति को गलियारे हैं, तो गलियाने का अधिकार नहीं है, तो फिर है क्या? फिर उस पर भी रोक लगता है, उस पर भी प्रतिबंध लगता है, उसको भी कई जगह से उसको भी खारिज किया जा सकता है। तो कैसे क्या होगा उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से 35 में क्या क्या है, उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए, पहला है समता का अधिकार। तो हम आज उसी को देख पाएंगे, क्योंकि आगे का जो आर्टिकल है ना वो काफ़ी विस्तार है उसका, और उतना सब कुछ एक ही साथ समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेंदी हो जाएगा। इसलिए रुचिकर ढंग से समझने के लिए आज हम लोग सिर्फ एक ही समता को अधिकार को समझेंगे, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के 18 के बीच में जो है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। मैग्ना कार्टा आया कहाँ? ब्रिटेन में आया। ब्रिटेन में भी संघर्ष हो रहा था जनता और राजा के बीच में, तो वहाँ जो एक राजा था उसका नाम था जॉन, उसके बीच में और जनता के जो प्रतिनिधि थे उसके बीच में समझौता हुआ, और वह राजा ने अपने जनता को कुछ अधिकार दिया, उसी को कहा गया मैग्ना कार्टा। और उसी मैग्ना कार्टा से प्रेरित होकर के अमेरिका के संविधान ने भी अपने यहाँ मौलिक अधिकार को रखा, उसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, और उसके बाद हमने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकार को रखा। ये जरूरी है, राज्य हमेशा शक्तिशाली होने की कोशिश करती है, और शक्तिशाली होने के चक्कर में जनता का अधिकार को छीनने की कोशिश करती है। जहाँ का भी जो राज्य होते हैं, स्टेट होता है, वो हमेशा पावरफुल होने की कोशिश करेगा और उसमें जनता के अधिकारों को हनन करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा गया कि नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जनप्रतिनिधि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जनप्रतिनिधि जो है, अगर उनको पूरा राइट दे दिया जाए तो देशों को बेच के खा जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि संविधान बनाने वालों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको संविधान में ही डाल दीजिए, ताकि ये जरूरी चीज़ है, और संविधान में ही उसको रखा गया। हमको जो भी मौलिक अधिकार मिला है, आम जनता को या व्यक्ति को या फिर नागरिकों को, वह संविधान के द्वारा दिया हुआ है, वो किसी से भीख में नहीं मिला हुआ है, वो संविधान में ही दिया हुआ है। इसलिए उसका हनन करना
राज्य के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ देखिए इसका निलंबन भी हो सकता है, राष्ट्रपति जो है ना उसका निलंबन भी कर सकता है। मान लेते हैं कोई ऐसा कानून है जो जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर, जैसे तीन तलाक का मामला है, वो तीन तलाक का मामला आज से कुछ दिन पहले चल रहा था, जिसमें मुस्लिम जो है उसमें वो तलाक की एक प्रथा थी जिसमें ये था कि कोई भी तीन बार तलाक 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 बोलने के बाद किसी भी महिला से तलाक ले सकता है। इसमें हुआ है क्या कि पुरुषों को तो ज़्यादा नहीं लेकिन महिलाओं का जिंदगी जहन्नुम हो जाता था ये तीन शब्द के कारण। तो संसद ने देखा कि ये तो मौलिक अधिकार का हनन करता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो आप देखते ही हैं उसको, उस कानून को हटा दिया गया तीन तलाक का। हालांकि ऐसा नहीं समझिए कि मुस्लिमों में तलाक नहीं होता, होता है, लेकिन वो जो है उसको हटा दिया है। साथ ही साथ इस पर अगर परमानेंट प्रतिबंध लगाना है तो कौन लगाएगा, तो संसद लगाएगा। इसमें आराम से राष्ट्रपति नहीं कर सकते, इसमें संसद ही करेगा, वह भी विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं होगा। इसीलिए मौलिक अधिकार जो है उस पर उसको बदलना थोड़ा सा टफ काम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, केशवानंद भारती वाला मामला में आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है संविधान का, और आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ है, जैसे संसदीय शासन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आप नहीं हटा सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करते हुए उसमें संशोधन हो सकता है, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, नेगेटिव चेंज नहीं करना है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए न्यायालय को उसका रक्षक कहा गया है, किसका, मूल अधिकार का। ऐसे न्यायालय तो पूरा संविधान का रक्षक है, मूल अधिकार का रक्षक, रक्षा करने का जिम्मेवारी उसी को दिया गया है। कानून को वही क्या करता है कि अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया हो जो किसी का मूल अधिकार का हनन करता हो, जो व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन करता हो, तो न्यायालय उसका पुनर्विलोकन कर सकती है। न्यायालय कहेगा अरे लाओ इधर, हम देखेंगे, उसका सर्जरी करेगा पहले, वो देखेगा उसको, उसको अच्छे ढंग से उसके संवैधानिकता की जाँच करेगा कि वाकई में सही है कि नहीं है, उसके बाद ही उसको लागू होने दिया जाएगा, नहीं तो न्यायालय उसको खारिज भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि न्यायालय जो है उसका पुनर्विलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 में है, उसका हम आगे देखेंगे। साथ ही साथ ये परिवर्तनीय है, वाद योग्य है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार राज्य छीन लेता है या कोई व्यक्ति छीन लेता है तो वह इन्फोर्सेबल है, वह जाके कोर्ट में जाकर के उस पर इन्फोर्स कर सकता है, उसको लागू करवाने के लिए वो कोर्ट जा सकता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, उच्च न्यायालय की भी नहीं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अगर सुविधा हो तो, नहीं तो सुविधा है तो हाईकोर्ट में भी जा सकता है, तो इन्फोर्सेबल है। उसी तरह से आप देखेंगे DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके लिए आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट में, कचहरी में, लेकिन इसके लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ वाद योग्य है, वाद विवाद होता है कोर्ट में, इस पर वाद विवाद हो सकता है। तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट में जाएगा कोई मैटर तो वहाँ पर तो वाद विवाद होगा ही। साथ ही साथ अभी हमने आपको बता दिया यूएसए से प्रेरित है, संशोधन जो है विशेष बहुमत से ही होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। साथ ही साथ इसमें देखिए कि यह अब्सोल्यूट नहीं है, ये मत समझिएगा कि ऑब्सोल्यूट है एकदम जिसको मिल गया, जैसे कि किसी को रोड पे घूमने का अधिकार है तो ऐसा नहीं है कि लाठी ले लेगा ऐसे ऐसे भाजेगा दूसरे को। आपका अधिकार तब तक अधिकार है जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे, भाई उसका भी तो अधिकार है ना, उसका भी एक मौलिक अधिकार होता है, आपका भी अधिकार है, तो आपका अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब उसका भी अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो एक बैलेंस बना के चला जाता है, समाज में अराजकता नहीं फैला सकते हैं, एक व्यक्ति का अधिकार जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज का, एक सामूहिक अधिकार। तो एक व्यक्ति और समूह के बीच में एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है, और हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बेहतरीन संविधान बनाया और उसमें इस तरह के बैलेंस को रखा। अब देखिए अधिकांश जो फंडामेंटल राइट है वह राज्य के खिलाफ मिला हुआ है, 80% जो राइट है वह राज्य के खिलाफ ही मिला हुआ है, 20% राइट ऐसे है जो व्यक्ति के खिलाफ भी मिला हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का एक आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 17 में है कि कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं कर सकता है, न राज्य कर सकता है व्यक्ति के साथ, न व्यक्ति व्यक्ति के साथ कर सकता है, दोनों को उसमें अवॉइड ये किया गया है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, नहीं तो दंडनीय अपराध होगा। साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट जो है केवल नागरिक को प्राप्त है, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति और नागरिक में अंतर है, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। नागरिक वो है जिनको वोट डालने का अधिकार होता है,
अब नागरिक जो है उनको तो नागरिक होने के लिए कुछ ना कुछ विशेषता विशेष चीज़ तो मिलना चाहिए ना कुछ उसके पास ऐसा स्पेशल चीज़ तो होना चाहिए ना। तो आर्टिकल 15 हो चाहे 16 हो चाहे 19 हो चाहे 29 हो चाहे 30 हो, ये केवल नागरिकों को मिला हुआ है। और देखते हैं कि ये 15 16 19 29 30 ये मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिला हुआ है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्या है इसमें। साथ ही साथ देखिए मानव अधिकार और मौलिक, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। देखिए मानव अधिकार वह अधिकार है जिसको यूएन चार्टर के तहत मिला हुआ है। यूएन जो है वो कब बनाया था, 10 दिसंबर 1948 को ये यूएन चार्टर के तहत पूरे वर्ल्ड में लागू हो गया। मानव होने के नाते ये अधिकार मिला हुआ है। और ये मौलिक अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार हमारा संविधान हमको देता है, मतलब भारत के संविधान जो है वो व्यक्ति को देता है, नागरिक को देता है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये ज़्यादा विस्तृत है, मानव अधिकार जो है ना उसका थोड़ा ज़्यादा एरिया है, ज़्यादा कवर करता है, और मौलिक अधिकार जो है इसकी तुलना में उसका विस्तार कम है, तो इसको याद रखे रहिएगा। अब देखिए नकारात्मक प्रवृत्ति के ये ज़्यादा है, यानी मौलिक अधिकार जो है ना ज़्यादातर राज्य को कहता है, व्यक्ति को कहता है तुमको ये नहीं करना है, नहीं वाला ज़्यादा है। जैसे विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण जो आर्टिकल 14 में है उससे वंचित नहीं करेगा, राज्य उसे वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए नहीं करेगा की बात हो गई। उसी तरह से राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, उसको उसको जाति के आधार पे, या फिर उसको लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इस तरह से भेदभाव नहीं करेगा। देखिए वहाँ नहीं लगा हुआ है, नकारात्मक ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली नकारात्मक ज़्यादा है नकारात्मक, लेकिन कुछ सकारात्मक भी है जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि जैसे लोक नियोजन में समता का अधिकार, लोक नियोजन में कोई भेदभाव ये जो जो राज्य है वो नहीं करेगा, उसमें वो देखेगा कि भैया उसमें किसी का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर नकारात्मक है लेकिन कुछ सकारात्मक भी है। अब आप इसको समझ गए, अब आप आर्टिकल 12 को समझिए। अब तनकी धराधर जो है ना अनुच्छेद 12 को समझिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आपको हम अभी बार बार बताए हैं कि जितना भी मौलिक अधिकार मिला हुआ है उसमें जो अधिकांश मौलिक अधिकार है वह व्यक्ति या नागरिक को मिला हुआ है राज्य के खिलाफ। तो कहा कि राज्य कौन है भाई, राज्य किसको कहेंगे, तो राज्य को तो जानना जरूरी है ना कि राज्य कहेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस में राज्य का क्या मतलब हो, बिहार झारखंड उड़ीसा ये सब नहीं, ये ज्योग्राफिकल अलग चीज़ है, पॉलिटी में अलग होता है। हमने आपको पहले बताया था कि एक जगह राज्य का मतलब था राष्ट्र, लेकिन यहाँ पे देखिएगा मौलिक अधिकार में राज्य का मतलब होता है उसमें डिफाइन कर दिया है, उसको परिभाषित कर दिया गया है कि ये सब जो रहेगा ना ये सबको राज्य कहेंगे। अब वो राज्य का काम क्या होगा, विधि बना सकता है, उपविधि बना सकता है, नियम बना सकता है, परिनियम अधिसूचना वगैरह ये सब जारी कर सकता है, तो इसको कहते हैं राज्य। ये सब जब अपना आपका अधिकार को छीनेगा, जब आप नागरिक है आपका अधिकार को छीन लेगा व्यक्ति के, तब सीधे जाकर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें क्या क्या है, पहले इसको समझिए। इसमें भारत सरकार और संसद शामिल है। भारत सरकार जो है कोई भी विधि बना सकती है ना, लेकिन ऐसा भी विधि नहीं बना देगी कि आदमी व्यक्ति का जो है से मौलिक अधिकार खत्म कर देगा। उसी तरह से राज्य सरकार और विधानमंडल भी बनाता है, उसी तरह से स्थानीय प्राधिकारी है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। अब देखिए नगर पालिका का क्या काम है, वो टैक्स भी वसूल सकता है, वह रोड बनाता है अपने क्षेत्रों में, नलकूप वगैरह ये बनाता है। अब ऐसा नहीं ना है कि जो है से कि हम जैसे मुजफ्फरपुर में रहते हैं, अब मुजफ्फरपुर में 10-20 तल्ला मकान बना दीजिएगा, आदेश नहीं है 20 तल्ला मकान बनाने के, भूकंपीय जोन में आता है। अब ज़्यादा लंबा बना दीजिएगा, भूकंप आएगा थोड़ा भी झटका लगेगा, धराम से नीचे गिर जाएगा, दूसरे आदमी भी उसमें चपा के मर जाएगा, तो ये तो आप गड़बड़ कर दीजिए ना। तो वहाँ पे नगर पालिका उसको रोकेगा, वहाँ पे उसको उसको आदेश जारी करने का अधिकार है, आपका बिल्डिंग को तोड़ देगा। अभी देखें नहीं कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो जो साधु बाबा है वो उनका बुलडोजर चल रहा है, और कहा जाता है कि जो अतिक्रमण किए हैं उसका पूरा जो है से कि दुकान मकान सब तोड़ा जा रहा है। हालांकि गरीबों को तोड़ा जाए तो उसमें भी थोड़ा राजनीति भी है, तो वो देखिएगा एमपी में भी जो मामा जी है वो अपना वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो खैर जो भी हो वो सब काम जो है ना वो नगर पालिका का है, वो दिल्ली वाला सरकार थोड़ी आएगा कहने के लिए कि भैया मुजफ्फरपुर में कहाँ पे जो है से कि अतिक्रमण किया हुआ है, सही तो निचले लेवल का लोग ही ना देखेगा। तो इस तरह से है, उसी तरह से अगर नहीं देखेगा तो अराजकता फैल जाता। अब देखिए अन्य प्राधिकारी में, अन्य प्राधिकारी में LIC ONGC सेल ETC ये सब आता है, ये सब भाई ये सब को भी राज्य माना गया है। कभी सुने हैं कि LIC को राज्य माना गया, ONGC को नहीं सुने हैं। देखिए LIC मान लेते हैं कि आप इसमें खुलवाए हुए हैं और क्लेम करते हैं भैया हमको दो, और क्लेम अगर नहीं देता है तो इस ससुरा के खिलाफ सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए हम जो किए थे लेकिन हमारे साथ जो है से कि बदमाशी कर रहा है, दे नहीं रहा है क्लेम, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है राज्य ना है, इसके खिलाफ आप जा सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। उसी तरह से ONGC है, सेल है,
लेकिन आपको भी ये उसमें रेस्ट्रिक्शन मिलता है कि आप कोई ऐसा काम ना कर दे जो जो समाज विरोधी हो या ऐसा ना हो कि वो देश के विरोधी में ही हो जाए, तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करने लग जाइए। अभी हम आपको बताए थे कि अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो इसका मतलब है किसी को गलियानिए लग जाइए, तो वो चीज़ है। अब आप इस अनुच्छेद 12 को समझ गए। अब बाबू अनुच्छेद 13 को समझिए। अनुच्छेद 13 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान सभा में इस पे बड़ा विवाद हो रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो या राजेंद्र प्रसाद जी हो या और भी विद्वान लोग हैं, उसके बीच काफी इसके लिए चर्चा हुई थी। देखिए इसमें है क्या, इसमें कहा गया है कि जो भी विधियां फंडामेंटल राइट के असंगत होगी वह शून्य हो जाएगी। माने आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो है वह रखा गया संविधान में। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 में कह दिया गया कि कोई भी ऐसा विधि जो फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं करेगा, उसके साथ असंगत हो जाएगा या उसके प्रावधान से एकदम अलग बात करता हो, उसको कहा गया कि उसका अल्पीकरण कर देता हो, उसको डिस्टर्ब कर देता हो, तो वैसे कोई भी विधियाँ शून्य माना जाएगा। कब, चाहे वह 26 जनवरी 1950 से पहले से चला आ रहा हो तब, चाहे 26 जनवरी 1950 के बाद अगर संसद कोई किसी तरह का कानून बनाता है जो मौलिक अधिकार से मैच नहीं करता है, उसके साथ असंगति रखता है, इनकंसिस्टेंट हो, या मौलिक अधिकार का अल्पीकरण कर देता है, उसका भाव को घटा देता है, उसको छोटा कर देता है, उसको संकीर्ण कर देता है, वैसे विधेयक को शून्य माना जाएगा। शून्य माने खारिज, वो खत्म हो जाएगा, ये चीज़ इसमें कहा गया है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे अधिकार हमको मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसका दुरुपयोग कर देगा। अब मान लेते हैं एक विधिया चल रही थी 3 तलाक वाला, आपको हम उसका उदाहरण से बताते हैं। देखिए वो कब से चल रहा था, वो बहुत पुराना है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए जो धर्म के आधार पर भी बहुत सारे अपने अपने नियम कानून होते हैं, जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो अपना शरिया के अनुसार अपना चलते हैं, उनका एक नियम कानून होता है। हिंदू लोग भी अपने अनुसार चलते हैं, उनका भी हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो उसके अनुसार ईसाई लोग, पारसी लोग, सबका अपना अपना होता है। अब देखिए उसमें क्या था, एगो 3 तलाक का मुद्दा था, उसमें है कि सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोल देने के बाद तलाक हो जाता था, बहुत मामूली सा। उसमें दिक्कत क्या था कि महिलाओं का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। सब व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, मतलब आपको मिला हुआ है बोलने का अधिकार मिला हुआ है, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी का गरिमा को ठेस पहुंचा दे, किसी को गलियाने में लग जाइए, उसको एकदम धके उसका बुराई करने लगिए, उसके डिग्निटी के साथ खेल जाइए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब हुआ क्या था कि यहाँ जो महिलाओं को जो तलाक दे दिया जाता था, वो महिलाओं की जिंदगी जो है वह जहन्नुम के टाइप की हो जाती थी। बेचारी क्या करेगी, बड़े आसानी से कोई 3 बार तलाक बोला दे दिया, अब जाओ वो अपना संघर्ष करते रहो। तो इसलिए इसको लगा संसद को कि नहीं ये जो है ठीक नहीं है। तो हालांकि पहले तो गया सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं सब चली गई, कही कि नहीं अरे भैया सुप्रीम कोर्ट ये देखो इसको, ये जो है ये पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट जो है से डेरोगेशन करता है संविधान के मौलिक अधिकार का, हम लोगों का मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट देखा कि ससुरा ये तो सही बात है, गलत बात तो नहीं है। फिर उसके पीछे से मौलाना लोग चले गए, वो बोले कि अरे 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 सुप्रीम कोर्ट ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले से चला रहा है ना, 1937 से ये चल रहा है, आप इसमें कहा है इसमें जबरदस्ती अपना मुँह घुसे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि संविधान नहीं पढ़े हैं, अंबेडकर साहब का बनाया हुआ, जाके पढ़ो पहले, उसके बाद आना यहाँ। संविधान में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी विधि जो असंगत होगी या अल्पीकरण कर देगा मौलिक अधिकार का, उसको शून्य माना जाएगा। ये अल्पीकरण कर रहा है, महिलाओं का अधिकार का हनन कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, तब से वो हट गया। तो वैसा उसको हटाया गया कौन, आर्टिकल 13(1) में है कि कोई भी विधि की बात करता है, कोई भी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले से चल रहा है और संविधान के किसी मौलिक अधिकार से असंगत हो या अल्पीकरण करता हो, तो वह विधि शून्य माना जाएगा। या आर्टिकल 13(2) में है, आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में है कि कोई भी विधि संसद नहीं बना सकती है या कोई भी राज्य उसको नहीं बना सकता है जो संविधान के मौलिक अधिकार का अल्पीकरण कर देता हो या उससे असंगत हो। तो आप इसको समझ गए हैं। अब आप समझिए कि यहाँ जो विधि लिखा हुआ है, तो विधि किसको कहते हैं, विधि का भी तो परिभाषा होना चाहिए ना, तो विधि देखिए किसको कहते हैं। अब आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज को समझिए, आर्टिकल 13 के 3 क्लॉज को। देखिए इसमें विधि की परिभाषा दिया गया है, विधि कौन होगा,
तो विधि में इसमें बताया कि कुछ अस्थाई विधि होगा जो संसद बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। एक अस्थाई विधि होता है जो अध्यादेश जारी करता है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा। एक कार्यपालिका विधान भी बनाता है। जब संसद से कोई भी कानून बनता है तो कार्यपालिका जब उसको लागू करती है तो उसमें थोड़ा सा वो अपने तरीके से उसको लागू करेगी ना भाई, उसको धरातल पर काम करना रहता है। तो क्या करेगा? वो विधि बना देगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, विनिमय बनाएगा, ये सब चीज़ बनाएगा। उस सब विधि में आता है। अब विधि की शक्ति रखने वाला कोई भी रूढ़ी या प्रथा, बहुत सारा प्रथा है जो पावरफुल होता है, उसको लोग फॉलो करते रहते हैं, करते रहते हैं। आपको पता है एक जमाने में सती प्रथा नाम का एक वो था जिसमें पुरुष मर जाता था, उसका पत्नी जो है उस पर जल के मर जाती थी जिंदा, लेकिन वह प्रथा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक जमाना था जब जो कहा जाता ना छोटे कास्ट, यानी तथाकथित छोटे कास्ट, देखिए छोटा कास्ट और बड़ा कास्ट कुछ नहीं होता है, कुछ लोग समझते हैं कि वो छोटा कास्ट होता है, तो जो छोटा कास्ट वाला जो है उनको तथाकथित बड़े कास्ट के लोग उसको पढ़ने नहीं देता था। तो उसको पढ़ने पे आपको पता ही है छुआछूत होता था, भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या क्या हुआ आपको तो पता ही होगा। तो पहले चल रहा था, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ वो सब खत्म हो गया। तो एक तरह से है ना, ये सारी विधियाँ जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और उसको खारिज भी कर सकती है जब जुडिशियल रिव्यू करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट तब। या फिर आर्टिकल 13 चार में है, चार में क्या है कि संविधान संशोधन जो होगा 368 के तहत मूल अधिकार में, उसको विधि नहीं माना जाएगा, इसलिए उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ लिख दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो संसद ऐसा नहीं है विधानमंडल जो है कि कुछ भी कानून बना देगा, वह बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करेगा, पॉजिटिव होना चाहिए उसमें कोई ना कोई काम, तभी उसको रखा जाएगा। तो ये चीज़ समझ गया। अब देखिए सिद्धांत है इसमें आर्टिकल 13 में, तीन में तीन को सिद्धांत भी दिया गया है। एक को दिया गया आच्छादन का सिद्धांत, ये क्या होता है भाई? देखिए इसमें कहा गया कि विधि जो है ना वो उसमें दो पार्ट हो सकता है। कोई ऐसा विधि है जो बड़ा सा विधि है और उसका एक पार्ट तो वैध रहेगा, एक पार्ट ऐसा है जो अवैध है, जो इसको लागू नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो क्या करेगा? जो अवैध हिस्सा है उसको खारिज कर दिया जाएगा, तो वह एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, उसको जो है ना निष्क्रिय माना जाएगा। हो सकता है बाद में फिर से वो एक्टिव हो जाए, लेकिन उस समय के लिए वह निष्क्रिय माना जाएगा, बाद में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं पृथ्वीकरण, सेपरेशन का सिद्धांत। देखिए वही जो आपका विधि है उसमें दो पार्ट हुआ, एगो वैध एगो अवैध। तो वैध तो लागू रहेगा, जो अवैध होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको अलग कर करके उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। जो अवैध है उसको समाप्त ही हो जाना चाहिए, तो उसको हमेशा समाप्त कर देगा, इसलिए उसको कहा जाता है पृथ्वीकरण का सिद्धांत। और एक सिद्धांत है जिसको अधित्याग यानी वीवर का सिद्धांत है। देखिए अमेरिका में क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार को स्वेच्छा से त्याग सकता है, भारत में ऐसा नहीं कर सकते। भारत में कोई भी मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति या कोई नागरिक को मिला हुआ है वो स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता है। आपको मिला हुआ है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, आपको मिला है दोष सिद्धि का अधिकार, दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, आपको मिला हुआ है जीवन जीने का अधिकार। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अरे सरकार हमको जो है ना अब जीने का मन नहीं कर रहा है, हमको मरने का मन कर रहा है, हमको सुसाइड करने दो ना, तो सुसाइड नहीं करने देगा आपको। सुसाइड करना एक अपराध है, वह कानूनी जुर्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर पुलिस पकड़ लिया तो अगर आप बच गए तो ऐसे ही जेल हो सकता है, आपका जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए अपने जीवन को आप स्वयं खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको आप समझ। अब आप आर्टिकल 14 को समझिए जिसमें है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, उसको आप कह सकते हैं राइट टू इक्वेलिटी। उसमें समानता स्थापित करने के लिए लाया गया। इसमें क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता चाहे विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसको आप समझे नहीं समझे, अब आप समझिए। पहले तो देखिए राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य की परिभाषा आपको पता हो चुका है, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब होता है नागरिक भी हो सकता है और नागरिक भी हो सकता है, विधिक व्यक्ति भी हो सकता है, उसको विधि के समक्ष समता से यानी कि इक्विलिटी बिफोर लॉ से वंचित नहीं करेगा, साथ ही साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी विधियों का समान संरक्षण से भी वंचित नहीं करेगा। देखिए विधि का जो समक्ष समता है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, एबी डाइसिस के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह चपरासी हो, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, अडानी का बच्चा हो, चाहे एगो गंगू तेली का बेटा हो, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसने एक ही नेचर का कोई अपराध किया है दोनों का सजा बराबर बराबर का मिलेगा, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलेगा कि भैया पहले
था ना कि वो ब्राह्मण कुल में है, वो शूद्र कुल में है, तो उसको ज़्यादा सजा मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये संविधान जब लागू हुआ सबको बराबर कर दिया गया, इससे रूल ऑफ लॉ बना। भारत में रूल ऑफ लॉ चलता है, ना कि किसी व्यक्ति का शासन, यहाँ पे कानून का शासन चलता है और सबको चलना पड़ता है। सरकार चाहे किसका भी रहे, बीजेपी का रहे चाहे कांग्रेस का, किसी का भी रहे, इसको तोड़ नहीं सकता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसको आप समझ गए। अब देखिए दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। इसमें क्या कहा गया, कहा गया कि देखिए इसमें अब 5 साल के बच्चा और 20 साल के बच्चा के बीच में डिफरेंस आप कर सकते हैं, महिला और पुरुष के बीच डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें है कि देखिए कुछ जरूरी नीड्स होती हैं उनको अलग किस्म का, जो 5 साल का है और 20 साल का है उसका थोड़ा अलग होता है। 20 साल का है ज़्यादा समझदार हो गया, सोचने समझने वाला हो गया, बच्चा है वो कम सोच समझ रहा है। दोनों को सजा बराबर और कैसे देंगे, थोड़ा तो अंतर करना पड़ेगा ना। बच्चा को देखते हैं कि ट्रेन में भी बर्थ रहता है, रिजर्व रहता है, या फिर कानून में भी देखते हैं कभी कभी कोई लड़की जो है लड़का के साथ भाग जाती है, हालांकि दोषी जो है लड़का को ठहरा दिया जाता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उतना वो बुद्धिहीन थोड़ी होती है, बेवकूफ़ थोड़ी होती है, बेवकूफ़ को ना भला फुसला के अब वो है, ऐसा थोड़ी है कि कहेगा ये कौआ कौआ कान ले जा रहा हुआ वो, तो लड़की उसके पीछे पीछे चल दी तो भला फुसलाता किसको है। लेकिन फिर भी कोर्ट में कचहरी में भेदभाव किया जाता है, लड़की की बात को ज़्यादा सुना जाता है, लड़के की बात को कम सुना जाता है और उसमें वो किया जाता है। तो ये यहीं से लाया गया है विधियों का समान संरक्षण, इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जाता है। तो ये चल रहा है अभी भी भारत में 80% इसी रूल को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें समान परिस्थिति में समान व्यवहार करेगा, इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। साथ ही साथ राज्य का ये अधिकार हो जाए होगा कि वह क्लासिफिकेशन करे, लॉजिकल क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं हो कि कोई महिला और पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव कर दे जो बिल्कुल असंवैधानिक हो, असंवैधानिक नहीं कर सकता है। महिलाओं के लिए थोड़ा स्पेशल छूट मिल सकता है, जैसे मातृत्व अवकाश देना हो दे सकते हैं, भैया बच्चे को लालन पालन करना पोसना है, पुरुषों के साथ तो ऐसा ही नहीं, तो उसको मिल सकता है, स्पेशल लीव मिलता है। आपको पता है महीने में 2 दिन का महिलाओं के लिए स्पेशल लीव मिलता है, पुरुषों को नहीं मिलता है। अब महिलाओं को उस तरह की समस्या होती है उनको मिलता है, तो आप उसके आधार पर नहीं जा सकते हैं कोर्ट में कचहरी में या सुप्रीम कोर्ट में कि अरे भैया उसको 2 दिन का मिलता है हमको भी मिलना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं सकते, आपके साथ थोड़ी होता है वो चीज़। तो ये चीज़ है, अब आप इसको समझ गए हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और समझिए कि इसमें लिखा है कि एक आदमी के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। ये एकदम हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया था कि क्या एक आदमी के लिए कानून बन सकता है, तो जी हाँ एक आदमी के लिए भी कानून बन सकता है, ये चीज़ें हैं इसमें। अब आप आर्टिकल 14 को समझिए, उसके अपवाद को समझिए। देखिए अपवाद में क्या है कि आर्टिकल 14 जो कहता है समता का अधिकार, तो यहाँ पे समता जरूरी नहीं है। इसमें क्या है कि आर्टिकल 361 में लिख दिया गया है संविधान में ही कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल उनको कुछ विशेष अधिकार मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम किए हो सार्वजनिक, उसके लिए उनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, उन पे किसी तरह का गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा उनके कार्यकाल के दौरान, उन पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। हाँ व्यक्तिगत कार्य के लिए दीवानी मुकदमा चल सकता है, लेकिन 2 महीना पहले उनको इन्फॉर्म देना पड़ता है। अब देखिए अगर राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल, राष्ट्रपति को मान लेते हैं कि कोई काम किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसमें उसको 10 साल की सजा मिल गया हो, अब देखिए राष्ट्रपति को तो अधिकार भी है अपना सजा माफ़ कर लेने का, वो तो किसी का भी सजा माफ़ करता है ना, आर्टिकल 71 में क्या लिखा हुआ है किसी की भी फांसी की सजा वो माफ़ कर सकता है। तो क्या करेगा, 10 साल की सजा देगा कोर्ट, वो अपना पेन उठाएगा और वो उसमें माफ़ कर लेगा, कहेगा चलो भैया ससुर माफ़ हो गया, अब तो फिर तो दिक्कत हो गया ना। उसके राज्यपाल को भी ये अधिकार है, राज्यपाल को भी अगर आप 10 साल की सजा देते हैं 15 साल की सजा देते हैं, वह पेन उठाएगा और अपनी सजा 162 आर्टिकल के तहत वह माफ़ कर देगा, तब तो उस पर काम ही नहीं होगा। लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि कार्यकाल के दौरान उन पर नहीं हो सकता है वह मुकदमा, लेकिन जब वह कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब तो मुकदमा चल ही सकता है ना, तब तो उनको सजा मिल ही जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारे संविधान बनाने वालों ने यह प्रावधान कर रखा है कि कार्यकाल के दौरान तो नहीं, लेकिन उसके बाद तो आप सजा से बच नहीं सकते, आपने गलती किया है तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी ही, ये तो संविधान बनाने वाले की वाहवाही है। और ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ सर्वर काम किया तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको तो पता ही है कि महाभियोग भी लाया जाता है, महाभियोग ला करके उनको अगर हटा दिया जाएगा उसके बाद जो है अगर उन्होंने कोई गलती काम किया है तो वहां पर उनको सजा मिल जाएगी, तो ये प्रावधान है। साथ ही साथ अब देखिए कि आर्टिकल 105 में क्या लिखा है, 105 में लिखा है कि संसद सदस्य जो होते हैं ना वो संसद में किए गए किसी भी काम के लिए दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, मतलब उसमें जो बहस चलता है वो कुछ बोलते हैं तो उसके लिए कोई नहीं कह सकता है कि भैया ये चीज़ गलती बोल दिया ये चीज़ सही बोल दिया।
उनको वहाँ पे छूट है। साथ ही साथ अगर इतना छूट नहीं रहता तो संसद में कोई बोल पाता है, उसको अपना विचार अभिव्यक्ति देना रहता है। अब देखिए देशों के प्रमुख और राजदूत वगैरह भी होते हैं, उनको भी छूट मिलता है गिरफ्तारी वगैरह से। तो ये मान लेते हैं कोई अमेरिका के राष्ट्रपति आता है और वो गाड़ी से जा रहा है, अब गाड़ी से मान लेते हैं किसी का पैर चपा गया, अब इसके लिए वो राष्ट्रपति को प्रमुख को ये दोषी नहीं दे सकता है कि भैया तुम्हारी गाड़ी से हमारा ये ठीक है, उसको गिरफ्तारी वहाँ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे पहले ही हटा दिया। देखिए ये तो एज्यूम्ड है, ऐसे कोई राजदूत ऐसे किसी को थोड़ी एक है कि किसी का पैर को चाँप देगा। तो ये आप समझ गए हैं ये अपवाद है। अब देखिए आर्टिकल 15 को समझिए। आर्टिकल 15 में क्या है, उसमें है कि किसी भी आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो उसका निषेध किया गया है, लेकिन उसका एक ग्राउंड होता है कौन कौन चीज़ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसको रोकने के लिए चीज़ है। क्या है इसमें आर्टिकल 15 सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, ये तो पता ही है आपको। आर्टिकल 15 एक में क्या है, इसमें देखिए आर्टिकल 15 में ना है 6 क्लॉज है, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, ऐसे 6 क्लॉज है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है और उसको याद रखना भी जरूरी है। एग्जाम में आजकल ऐसे ही पूछ दिए जाते हैं कि बताइए 15-4 में क्या है और ये 15-6 में क्या है, इस तरह से। तो देखिए 15-1 में है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। ये केवल राज्य की बातें की गई है, वह धर्म के आधार पे, वह मूल वंश के आधार पे, वह जाति के आधार पे, वह लिंग के आधार पे, वह जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये स्पष्ट रूप से उसको निर्देशित किया गया है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। अब आर्टिकल 15-2 को समझिए। आर्टिकल 15-2 में है यह राज्य और व्यक्ति दोनों को यह कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के साथ साथ उस आधार पर कहीं भी किसी को होटल में प्रवेश करने से, भोजनालय में जाने से या मनोरंजन वाला क्षेत्र में जाने से या सार्वजनिक स्थल पे घूमने फिरने से मनाही नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हैं ना कि होटल में लिख देते हैं कि हिंदू होटल और फलना होटल, उसमें ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को नहीं जाने देंगे, कहीं भी ऐसा नहीं। भोजनालय, ये भोजनालय में भी कोई भी जा सकता है, कोई पानी पी सकता है, सार्वजनिक स्थल पे कोई भी घूम सकता है, कोई ये रोक नहीं सकता है कि देखो भैया हम बड़का जाती तो तू छोटका जाती है, फलना चिलना, ये ढिमकाना, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ पे भेदभाव अगर करते हैं तो आप कानून को तोड़ेंगे, मौलिक अधिकार का हनन होगा, आप सजा के भागीदार हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस पर अधिकार, इस पर कहीं भी भेदभाव नहीं करना है। अब देखिए आर्टिकल 15-3 में क्या लिखा हुआ है। 15 के क्लॉज 3 में है, राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा करता भी है। राज्य जो है आप देखते हैं स्त्रियों के लिए विशेष मातृत्व अवकाश का या इनके लिए विशेष कभी योजनाएं चलाती है, जैसे नौकरी तक में आरक्षण की बातें होती है। अब देखते हैं बालकों के लिए विशेष, छोटा छोटा बच्चा जो होता है उनके लिए भी विशेष प्रावधान होता है, उनको पोषाहार के लिए लगातार काम करती रहती है सरकार, तो उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके लिए अब कोई समान आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता है कि उसको विशेष मिल रहा है हमको क्यों नहीं मिल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। उसको इसलिए मिलेगा क्योंकि उसको उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, नहीं तो समानता स्थापित कैसे होगा। साथ ही साथ अब देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है आरक्षण की बात। देखिए आरक्षण यहीं से शुरू होता है। अब आरक्षण के बारे में आप समझ लीजिए, आरक्षण जो है ना वो एक किसी तरह का कोई भीख वगैरह नहीं है, आरक्षण किसी को भीख उक में नहीं मिलता है, यह संविधान में ही लिखा हुआ है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उनको प्रदत्त है जो कमजोर है, जो लाचार है, जो आर्थिक प्रगति में पीछे छूट गए, उनको थोड़ा सा स्पेशल छूट दे करके कहा जाता है कि आप भी जो है बराबरी पर आइए। अब देखिए समाज में कई तरह के लोग आपको मिलेंगे, इस तरह से आप देखेंगे कि समाज में कई तरह के कैटेगराइजेशन बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये दो है जो बहुत हाई है और ये दो देख रहे हैं ये जो बहुत नीचे है, तो भाई एक समानता स्थापित करने के लिए इसको भी तो ऊपर उठाना होगा ना, लेकिन हाँ इसके कीमत पर नहीं होगा। ये जो प्रगति कर रहे हैं ये धीरे धीरे करते जाए, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका जो स्पीड है ना ये थोड़ा बढ़ा देना है ताकि एक बराबरी की स्थिति पैदा हो। आप ऐसे भी जानते हैं कि समाज में कभी भी बराबरी पैदा नहीं किया जा सकता है, समानता एक प्रकार की कल्पना है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम संभव कोशिश करके बहुत ज़्यादा असमानता को कम भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा असमानता रहेगा ना तो आपको शायद पता नहीं है कि भूख और ज़्यादा गरीबी ये विद्रोह को पैदा कर देता है। अगर आप लगातार किसी को वंचित रखेंगे तो अच्छे समाज नहीं बना पाएंगे, वह हिंसात्मक समाज पैदा हो जाएगा और इससे समाज और ख़राब होगा, देश का भी विकास नहीं होगा। मान लेते हैं देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एकदम पिछड़ा हुआ छोड़ दीजिएगा, तो फिर देश का कैसे, विश्वगुरु बनना है ना भाई, विश्वगुरु तो बनना है, तो विश्वगुरु बनना है इसके लिए
आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि भैया जो पिछड़े हुए उनको भी एक लेवल पर लाओ ताकि दुनिया में हमारा डंका बच सके। अब कुछ लोग जिनको आरक्षण मिलता है वो किसी भी कीमत पे आरक्षण चाहते हैं, वो उसका एकदम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कि इसकी समीक्षा हो जाए, कोई कह दे कि समीक्षा होना चाहिए आरक्षण का, कुछ लोग विशेष फायदा उठाते रहे हैं तो वो तुरंत आग बबूला हो जाएंगे, वो किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के विरोधी है, वो माइंड में मेकअप कर चुके हैं कि आरक्षण का खाली विरोध करना है, मतलब उनको सही बात भी बताइए फिर भी वो विरोध करेंगे, एक साइकोलॉजी होता है। तो जो आरक्षण के जो जिनको लाभ मिलता है वो आरक्षण के समर्थक है, जिनको नहीं मिलता है वो उसके विरोधी रहते हैं, तो ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन देखिए अगर आरक्षण बुरा चीज़ होता भाई साहब तो उसको संविधान में रखा ही नहीं जाता, नहीं तो अगर संविधान में भी रखा गया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो बाद में इसको ख़त्म कर दिया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट हमसे और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो चाहता तो कभी भी इसको खारिज कर देता, आपको बताया था ना अल्पीकरण करने वाला असंगत विधि को वो समाप्त कर सकता है, अगर ऐसा होता ही है असंवैधानिक होता तो कब को हटा दिया गया होता, ऐसे भी हटाया नहीं गया है बल्कि और भी उसको उसके दायरा को बढ़ाया ही गया है। अभी आप देखिए, अब देखिए आर्टिकल 15(5) में क्या कहता है, इसमें है ये आर्टिकल 15(4) को पहले समझिए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। राज्य को ये अधिकार मिला हुआ है कि जो भी व्यक्ति समाज में पिछड़ गए हैं सामाजिक रूप से या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं, शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, वो ले नहीं पा रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर है, जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, तो उनको भी जो है ना कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया गया कि निर्वाचन में इनको सीटों के लिए आरक्षण कर दिया है। कहीं कहीं देखते हैं ना अनुसूचित जाति वाला सीट रहता है, एसटी सीट रहता है, तो वहाँ पे एसटी सीट रहता है, तो इस तरह से सीटों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक है, इसमें नौकरी में आरक्षण की बात नहीं करता है। 15(4) को याद रखे रहिएगा, 15(4) जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को निर्वाचन की सीट में आरक्षण देता है, न कि नौकरी में आरक्षण। नौकरी की आरक्षण की बात होगा आर्टिकल 16 में जब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग 15 का क्लॉज 4 देख रहे थे। अब देखिए 15 का, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है सिर्फ 10 सालों के लिए ही दिया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, जैसे ये सीटों में जिसको बार बार बढ़ाया गया है, बार बार बढ़ाया गया संविधान संशोधन करके, अभी फिर यह 2020 में खत्म हो रहा था तो मोदी सरकार ने फिर उसको बढ़ा के 2030 तक कर दिया, सिर्फ ये निर्वाचन की सीट में आरक्षण। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो नौकरी में आरक्षण देते हैं वहाँ पे उसको ख़त्म करना था 10 साल में, उसको नहीं ख़त्म करना था, बल्कि जब तक यह एक लेवल को प्राप्त नहीं कर जाएगा तब तक उसको नहीं ख़त्म किया जाएगा। ख़त्म करने की बात सिर्फ इसकी थी जो अभी तक ख़त्म नहीं की गई है। अब देखिए 15(5) में क्या है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में क्या कहता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, यानी कि बहुत सारे हायर एजुकेशन वाला जो क्षेत्र है जैसे आईआईटी आईआईएम ये सब जो है ना उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान होगा, उनके लिए सीट का आरक्षण किया जाएगा ताकि ये लोग भी फाइट कर सके, क्योंकि फाइट करने के लिए एक लाइन तो खींचना पड़ेगा ना, उस लाइन पर चलना है। अब ऐसे नहीं कि अब पहले ही आप घोड़े के दौड़ा दिए और बाद में फिर कुछ देर के बाद आप किसी को कहते हैं तुम दौड़ो पीछे से, तो कैसे पकड़ेगा उसको, एक साथ दौड़ाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ऐसा है। साथ ही साथ देखिए आर्टिकल 15(6) के क्लॉज 6 में क्या है, ये नया है, ताज़ा इसमें रखा गया है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। 103वां संविधान संशोधन हुआ है जो 10% आरक्षण दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में कौन आते हैं, जो एससी एसटी और ओबीसी के अंतर्गत आकर के इसका लाभ उठा रहे हैं उसको इसमें नहीं रखा गया है, इसमें उनको रखा गया है जो ओबीसी एससी एसटी में नहीं आते हैं, उन्हीं को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिल रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 99% आरक्षण के दायरे में आ गए हैं, अब सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, बाकी 99% लोग आ गए हैं। तो ये रहा आपका आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 को आप समझिए, आर्टिकल 16 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब इसका ये हुआ कि नौकरी में जो आरक्षण की बातें होती है वह 16 में है। आप इस चीज़ को एकदम स्पष्ट की रहिएगा कि नौकरी में आरक्षण की बात आर्टिकल 16 करता है। अब 16 में जो है ना 6 क्लॉज है अलग अलग, अब सब क्लॉज को देख लेते हैं हम लोग, एकदम आसानी से समझ जाइएगा आप 16(1) में क्या करते। अच्छा पहले ये समझिए कि आर्टिकल 16 जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह व्यक्तियों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब 16(1) क्या कहता है, लोक नियोजन में या सरकारी नियोजन में अवसर की समानता, यानी राज्य जो है ना वो सबको एक समान मानेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के साथ भी भर्ती में हो चाहे छुट्टी देने में हो चाहे उसका प्रमोशन करने में हो चाहे उसको पेंशन देने में हो कहीं भेदभाव नहीं करेगा, बस
लोक नियोजन में इसी को कहते हैं अवसर की समानता होगी, ये संविधान में है। साथ ही 16(2) में क्या लिखा है कि इन्हीं 7 आधारों पे, जैसे धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, साथ ही इसमें जोर दिया उद्भव और निवास स्थान, उसके कारण किसी को अपात्र नहीं मानेगा। ये नहीं मानेगा कि भैया तुम तमिलनाडु में पैदा हुआ हो, कि केरल में, कि गुजरात में, कि कहाँ पे पैदा हुआ, उसके साथ अपात्र नहीं मानेगा कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पे। ये नहीं है कि भैया हम यहाँ पे खाली हिंदू को रखेंगे, मुस्लिम को नहीं रखेंगे, या फिर मुस्लिम को रखेंगे, हिंदू को नहीं रखेंगे। मूल वंश क्या है, मूल वंश माने कौन से वंश का हो, वंश माने बहुत इतिहास का है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, न राज करेगा, न व्यक्ति करेगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे वंश रहे जो अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं, जैसे सिंधिया का वंश जो रहा है अभी जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके जो खानदान रहे अंग्रेजों के बड़े भक्त थे, लेकिन क्या उसके आधार पर इतिहास पढ़ के आप उनके साथ भेदभाव करिएगा। चाहे दरभंगा महाराज है बिहार के, दरभंगा महाराज 1897 के क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, वह लठित मुहैया कराता था, किसानों को लाठी से पिटवा देता था, लेकिन उनके पूर्वज वो करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके आने वाले अभी जो चल रहा है उनके खानदान के साथ भेदभाव करिए। तो भेदभाव नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें लिख दिया गया है कि किसी भी धर्म, मूल वंश या जाति के आधार पे, ये बड़ जाति छोट जाति ये सब जो करते रहते हैं ना तथाकथित, कभी कभी होता है कि जाति का कीड़ा काटता है तो लोग जो है दूसरे चीज़ को भूल जाते हैं। साथ ही साथ लिंग के आधार पे नहीं, किसी महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं, महिलाओं कहेंगे कि नहीं उसको दबा के रखेंगे। मीटिंग सीटिंग में देखते हैं कि ज़्यादातर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं, कानूनी रूप से पकड़े गए भाई साहब तो आपको सजा तक मिल सकती है। इसलिए लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है, जन्म उद्भव के आधार पर नहीं होगा, निवास स्थान के आधार पर नहीं, ये आर्टिकल 16(2) में है। लेकिन 16(3) क्या कहता है, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है कौन, संसद कानून बना के। इसी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि बहुत सारे राज्य क्या किए हैं, अपने लोगों को विशेष सुविधा दे करके उसको रखे हुए हैं। जैसे क्या करते हैं कि भाई नौकरी में हम निकालेंगे 90% हम अपने राज्य का लेंगे, 10% हम बाहर का लेंगे, तो ये भेदभाव किया जा सकता है, ये संविधान सम्मत है, क्योंकि विशेष आवश्यकता होती है उस चीज़ का कि उस राज्य के निवासियों को उसमें प्रायोरिटी दे, इसके आधार पर कर सकता है। तो तमाम स्टेटों ने किया हुआ है, अपने यहाँ के निवासियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उसी तरह से 16(4) को देखिए, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में क्या लिखा है, नौकरी में पिछड़े वर्गों जैसे SC ST या OBC है उसको आरक्षण मिलेगा। ये देखिए इसमें आरक्षण की बात स्पष्ट रूप से बोलता है 16(4). आरक्षण है क्या, एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं लेकिन समाज के भलाई के लिए करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, तो उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जानबूझ करके किसी के साथ आप जातिवाद कर देते हैं, है ना, किसी के साथ छुआछूत कर देते हैं, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यहाँ तो देखा गया कि मुख्यमंत्री भी एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए, जब पूजा करके लौटे तो वहाँ के जो पंडित था उसने उसको पवित्र करने के लिए उसको फिर गंगा जल से धोया, उसको पवित्र किया। देखिए ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इस तरह से करने पर कानूनन जुर्म है, आपको पकड़ा जा सकता है, जेल जा सकते हैं। लेकिन आरक्षण को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना गया है कि निचले तबकों को ऊपर उठाना है। भाई साहब देखिए आरक्षण के लिए जो होता है ना, आरक्षण मिलता किस आधार पे है, आप जानते हैं कि जाति के आधार पे मिलता है, और आजकल तो EWS को मिल गया, तो आप एक तरह से देखें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक आधार पर भी मिल गया है। OBC में भी एक आरक्षण जो मिलता है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, 8 लाख से ज़्यादा रुपया जो कमाते हैं ना वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, उनके परिवार के लोग अगर 8 लाख से ज़्यादा कमाते हैं उनको नहीं मिलेगा आरक्षण, उनको क्रीमी लेयर माना जाता है। उसी तरह से EWS में भी है, 8 लाख से ऊपर जो कमाएंगे उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो 8 लाख से कम कमाते हैं सालाना, जिनका इनकम है परिवार का, तो वो उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन माना जाएगा और उनको आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण उनको मिला हुआ है। तो जाति ही खत्म कर दिया, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। अब जाति आप खत्म करेंगे नहीं और आरक्षण खाली खत्म करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब जाति का भी मजा लीजिएगा, आरक्षण भी खत्म कर दीजिए तो कैसे होगा, आप दोनों खत्म कर दीजिए, आरक्षण रहेगा ही नहीं जब जाति आप खत्म कर दीजिएगा, तो भेदभाव ही नहीं रहेगा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या जरूरत है आरक्षण को लाने का। अब देखिए आप 16(5) को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अच्छा 16(4) में एक बात और है कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए नौकरी में। नौकरी में अगर उस जाति के लोग बहुत पहले से ही हैं और खूब अच्छा उसका प्रतिनिधित्व है जैसे OBC का है, तो OBC को नहीं मिलेगा फिर,
लेकिन अभी तक उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को अभी तक आरक्षण मिल रहा है। अब देखिए 16(5) में देखिए, इसमें है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के व्यक्ति का नियोजन हो सकता है, यह भेदभाव नहीं होगा। मान लेते हैं कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है तो मुस्लिमों को ही रखेगा उसमें, चाहे कोई हिंदू के आधार पर कोई धार्मिक संस्था बना रखा है, कोई मठ है तो उसमें हिंदू को ही रखेगा, कोई जरूरी तो नहीं पारसी को उसमें जबरदस्ती रखेगा, तो वहाँ पर कर सकता है। ये एक प्रकार से इसमें इसको भेदभाव नहीं माना जाता है 16(5) में है ये। लेकिन 16(6) में क्या है, एक नया नया आर्टिकल जोड़ा गया है, 16 के क्लॉज 6 जोड़ दिया गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की बातें हैं। इसमें 5 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसको मान करके 103वां संविधान संशोधन करके इसको इसमें डाल दिया गया है। तो ये नया नया रिसेंट है, इसलिए इसको याद रखे रहिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप आर्टिकल 16 को भी समझ गए, अब आप आर्टिकल 17 को समझिए। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, जैसे ही संविधान लागू हुआ अस्पृश्यता खत्म हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करता है अनटचेबिलिटी वाला कि बाप छुआ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर उस तरह से जाति के आधार पर धर्म के आधार पर उस तरह के घृणित कार्य करता है तो उसको सजा मिलेगी, उसको कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाएगा। इसके लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, उसको और सख्त कर दिया गया 1989 में, और 1976 में उसका नाम बदल करके कर दिया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। देखिए यह एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देश में इतने दिन के बाद भी स्वतंत्रता का हम कब को प्राप्त कर लिए, उसके बाद भी 2022 चल रहा है और उसमें भी कुछ लोग आज भी अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार करते हैं। गांव में तो खूब मिलता है, शहर में बहुत कम मिलता है। गांव में आज भी जब हम लोग भोज खाते हैं तो देखते हैं कि जिसको छोटा जात समझा जाता है उसको अलग लाइन में बैठा देते हैं और वहां उसको नीचे बैठा देते हैं, वहां पे उसको अनटचेबिलिटी उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो अनटचेबिलिटी का व्यवहार करना संविधान में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चाहे वह राज्य हो चाहे वह व्यक्ति हो। राज्य भी ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसा व्यवस्था करेगा कि लोग अनटचेबिलिटी का व्यवहार ना करें, और हर एक व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का भी अधिकार है, निजी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इस तरह की अछूत वाला जो परंपरा है उसका वह अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरजोर उसका विरोध करे और एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आगे आए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अपना फर्ज जो है वह निभाए। तो इस तरह से चीजें, अब देखिए पूजा स्थल पे किसी को पूजा नहीं करने दे रहे हैं। आपको हम बताए थे ना, एक मुख्यमंत्री जब गया था पूजा करने के लिए तो पूजा करने के बाद उस मंदिर को धो दिया गया। तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ पूजा स्थल पर रोक नहीं सकते हैं किसी को, आप सार्वजनिक स्थल पर किसी को घूमने से रोक नहीं सकते हैं, कहेंगे अरे तुम फलना जात का है छोटका जात का है तुम यहाँ घूमेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी को भी व्यापार में भेदभाव नहीं है, किसी के होटल में जाने से ये नहीं है। हाँ, अगर आप पुस्तक भी लिखते हैं, कहीं फिलोसफी देते हैं, कहीं पे भाषण मारते हैं जहाँ अनटचेबिलिटी की बात होती है उसको आप सही ठहराते हैं, वहाँ भी आप दोषी हो जाएंगे। आप ना पुस्तक में उसको सही ठहरा सकते हैं, ना चौक चौराहे पे पान खा के जो बोलते रहते हैं ना छोटका जात बड़का जात उसको गाली वाली वो भी नहीं कर सकते। अगर वो आप करते हुए पाए गए तो आपको सजा मिल जाएगी, और वैसे भी अगर आप सच्चे नागरिक होंगे इस देश का तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं अनटचेबिलिटी का। तो अभी आप इसको समझ गए, अब आप आर्टिकल 18 को समझें। उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब है कि जब अंग्रेज थे हमारे देश में तब वो लोग बहुत सारी उपाधि दिया करते थे, जैसे नाइटहुड का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है, राय बहादुर का उपाधि और राय का उपाधि, सर का उपाधि मिलता था, है ना, महाराज का उपाधि मिलता था, महाराजा धीराज का उपाधि मिलता था, रजिया सुल्तान, इस तरह से बड़े बड़ी उपाधियाँ मिलती थी। तो जब संविधान लागू हुआ तब कहा गया कि इस तरह की उपाधि नहीं मिलेगा क्योंकि यह भेदभाव पैदा करता है और हमको एक समानता स्थापित करना है देश में और ये आदमी को कुछ विशेष बना देता है, इसीलिए इसको अंत हो जाना चाहिए। तो इसका अंत कर दिया, कोई भी भारत का नागरिक विदेशी से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, तो अगर भारत का नागरिक है तो। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई विदेशी है और भारत में नौकरी कर रहा है और उसको उसके देश वाले लोग उसको कुछ देना चाह रहे हैं उपाधि के रूप में, तो वह उसको ग्रहण तब करेगा जब राष्ट्रपति से अनुमति वो ले लेगा। राष्ट्रपति अगर कहेगा ले लीजिए तभी लेगा। जैसे आपको पता होगा कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला निशाने पाकिस्तान, उसके लिए भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ता है तभी वो कहीं पर ले सकते हैं। ऐसे भी ये लोग जो बड़े लोग हैं ये लोग तो पहले ही ना राष्ट्रपति से अनुमति ले लेते हैं तभी ना वो उनको ग्रहण करना रहता है, तभी जाकर के वो विदेशी से कोई भी उपाधि लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे
नेशनल अवार्ड की बात है, तो नेशनल अवार्ड जो है जैसे कि पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, इसको आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह उसको उपाधि नहीं माना गया है, उसको सिर्फ एक सम्मान माना गया है। कहा गया है कि यह एक प्रकार का पुरस्कार है, एक प्रकार का सम्मान है जो उस व्यक्ति को मिलता है, इसलिए इसको उपाधि नहीं माना गया है। लेकिन हाँ, इसमें यह चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसको नेशनल अवार्ड मिला है तो उसमें जैसे पद्मश्री मिल गया तो ये नहीं कर सकता है कि पद्मश्री श्याम कुमार, तो पद्मश्री नहीं लगा सकता है, वो अपने नाम के पहले टाइटल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। या फिर जैसे हमको मिल जाएगा तो हम ये नहीं कह सकते पद्म विभूषण डॉक्टर जे सिंह, ये नहीं कह सकते हैं, हम उसको लगा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको उसको एक अवार्ड के रूप में आप उसको एक सम्मान के रूप उसको एक सम्मान के रूप में आप उसको रख सकते हैं। साथ ही देखिए एजुकेशन में जो जितने भी उपाधि मिलता है, जैसे प्रोफेसर का हुआ, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे डॉक्टर की उपाधि हुआ पीएचडी वाला, या डीलिट का उपाधि, ये सब ले सकता है, उसमें लगा सकता है, उसमें डॉक्टर लगा सकता है, तो ये सब लगा सकता है। सेना में भी रैंक जो होता है ना, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा या ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह तिरंगा में आप देखे होइएगा, तो इस तरह के रैंक के आधार पर जो मिलता है वो भी लगा सकता है, वो भी एक प्रकार का उपाधि नहीं है बल्कि एक प्रकार का सम्मान उसको माना जाता है, तो ये लगा सकते हैं। तो इसको आप ये समझ गए। अब एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए अभी आप पढ़ रहे थे समानता का अधिकार, हम अभी आर्टिकल 12 से लेके 18 के बीच में आपको पढ़ाए हैं। देखिए आर्टिकल 12 जो है उसमें क्या है, आपने देखा है कि 12 में तो सिर्फ राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन है राज्य जिसके खिलाफ आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो उसमें वो चीज़ है। आर्टिकल 13 में क्या है, 13 में जो है यह उसमें धिरा दिया गया है राज्य को, और कि आप ऐसा कानून मत बनाइएगा जो मौलिक अधिकार का हनन कर दे, उसका अल्पीकरण कर दे या उसका डिस्टोर्शन कर दे, तो उस तरह से वह चीज़ है। अब आर्टिकल 14 में क्या है, इसमें है कानून के समक्ष सब लोग जो है वह समान होंगे, यानी कि समानता स्थापित करनी है। आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है, इसमें है कि कोई भी धर्म हो या वंश हो या फिर जाति हो या फिर लिंग हो या जन्म स्थान हो, इसके आधार पे भेदभाव नहीं करना है, चाहे वह राज्य हो चाहे वह व्यक्ति हो, उसको भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में आपने देखा होगा नियोजन में यानी सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी सरकार, उसकी बातें इसमें है। और 17 में क्या है, 17 में देख रहे हैं अस्पृश्यता का अंत है इसमें अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जब एक नज़र इस पर दौड़ाएंगे आप यहाँ से 14 से लेकर 18 के बीच में, इसका मेन मकसद है समानता स्थापित करना, देश में समानता स्थापित करना, लोगों के बीच में असमानता को ख़त्म करना, तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वेलिटी। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।